हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी मैं बिन लादिन कैंप में हूँ सऊदी अरब में। आप लोगों को आज मैं बिन लादिन कैंप दिखाऊंगा, सऊदी अरब का बिन लादिन कैंप किस तरह का है। क्राइसिस के टाइम में अपने इंडिया में एक हल्ला हुआ था कि बिन लादिन जो है वो ख़त्म हो गई है, अब वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो है बिन लादिन में ही हूँ और अरसे से इस कंपनी में हूँ। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के र्यूमर से आप लोग बचें, और अगर जो है इंडिया हो या पाकिस्तान, कहीं भी बिन लादिन का अगर वीज़ा जा रहा है तो आप लोग इत्मीनान से आएँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की सैलरी या इकामा सारा अपडेट है। ये सागो डिगो कंपनी है बिन लादिन ग्रुप की, और मैं अभी यहीं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं पानी का, पीने का पानी का इंतज़ाम है, और ये सीटिंग एरिया है लोगों का। शाम में लोग इधर ही आके बैठते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग ड्यूटी से आए नहीं हैं, इसके लिए पब्लिक अभी कम दिख रही है। आप सारा कंटेनर वर्करों के लिए, इसी तरह का रूम यहाँ पर रहता है ज़्यादातर अरब में। ये कैंप का जो है स्ट्रीट है, स्ट्रीट व्यू। सारा कंटेनर लगा हुआ है, लोग अभी ड्यूटी से आ चुके हैं और अब सारे लोग जो है रूम में फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे बाहर। सामने जो वो किचन है। सऊदी अरब में बिजली की कोई कमी नहीं है, आपको हर कैंप, हर घर, मोहल्ले, हर जगह बिजली आपको दिखेगी। ये कैंप का स्ट्रीट हो गया, चारों तरफ कंटेनर लगा, इसी तरह से यहाँ पे कंटेनर में लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी का इंतज़ाम होता है, इसलिए किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। वरना जैसी यहाँ गर्मी होती है, इस तरह के कंटेनर में रहना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बेड का इसी तरह का सिस्टम होता है, ये पोर्टेबल बेड रहता है, आप एक बेड पे एक नीचे की तरफ और एक अपर यानी फ्लोर बोलें उस पे जो है एक एक आदमी रहते हैं। एक रूम में चार पांच इस तरह से एडजस्ट किया जाता है यहाँ पे। और रूम के साफ़ सफाई का जो है वो सारे लोग अपना मेंटेन इसको करते हैं, सब सारे लोग साफ़ करके रखते हैं अपने अपने रूम को, अपने ग्रोसरी का सामान और फिर खाने का सामान। सबका अपना पर्सनल फ्रीज रहता है, अपना रूम में ही ये सब इंतज़ाम रहता है सारे लोगों का। यहाँ पे यही रूटीन है, ड्यूटी से आना और खाने बनाने में जो है लग जाना। ये मेरे अजीज़ नौशाद भाई, हम लोग एक ही गांव के हैं, और ड्यूटी से आने के बाद खाना बनाने में लग चुके हैं। आज मैं भी इनका साथ दूंगा। क्या बना रहे नौशाद भाई? चिकन। चलिए बेहतर है, क्योंकि सऊदी अरब में हर कंपनी के कैंप में मस्जिद का होना लाजिम है। ये इस कैंप का मस्जिद है, ये इस कैंप की मस्जिद है, और माशाल्लाह यहाँ पे चूँकि इस कैंप में मैन पावर काफ़ी है तो लिहाजा ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है। ये कैंप के अंदर की मस्जिद है, फुल मेंटेन, सफाई, लाइटिंग, एसी, सारा चीज़ अरेंज है। हर कैंप में और ऑफिस में सऊदी अरब में मस्जिद का होना ज़रूरी है, इसलिए हर कंपनी इसे मेंटेन करती है। और नमाज के लिए यहाँ पे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी चाहे वो नमाज के लिए कोई उज़्र नहीं पेश कर सकता है कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके लिए हर तरह का सहूलत है नमाज के लिए, आप ड्यूटी आवर में नमाज के लिए आपको छुट्टी होती है,
अज़ान होते ही आप नमाज़ के लिए जाते हैं और जा सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं एक लाइन से जो नंबर वाइज है, ये सारा जो है टॉयलेट है। ये टॉयलेट का सिस्टम जो है लगभग जो है सारी कंपनी में इसी तरह का होता है, एक लाइन से रहता है। चूँकि मैन पावर ज़्यादा होता है ना, तो कम टॉयलेट में तो काम चलेगा नहीं। एक लाइन से ये टॉयलेट सारा होता है। ये पीने का पानी है, ये इसमें आरओ लगा होता है फिल्टर करके, ताकि लोगों को फ्रेश पानी मिले। चिकन धो रहे हैं क्या? हाँ, चिकन धो रहे हैं एकदम। बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी। बहुत अच्छा। इस कैंप में दो किचन है, एक इस ये किचन हो गया। हर कंपनी में इसी तरह का होता है यहाँ पे किचन। सारे एम्प्लॉय एट ए टाइम आराम से खाना बना सकते हैं। ये हर कंपनी का इसी तरह का होता है किचन। ये पानी का इंतज़ाम है खाना बनाने के लिए। ये कैंप का सिकंड किचन है, ओवन चारों तरफ रखा हुआ। सारे लोग जो भी ड्यूटी से आ रहे हैं वो अपना खाने में लग जाते ही। यहाँ पर का यही जो है लोगों का डेली का रूटीन है, ड्यूटी से आना और आने के बाद पहले जो फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद खाने में लग जाना। सब अपना अपना खाना बनाते हैं। ये लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पे लॉन्ड्री का इंतज़ाम रहता है लोगों को अपना क्लॉथ धोने के लिए। सबका पर्सनल अपना अपना जो है वॉशिंग मशीन होता है। इसी तरह सब अपने अपने वॉशिंग मशीन में एट ए टाइम जो है कपड़ा धो सकते हैं। सारी बसें जो है कंपनी की है, कंपनी का ये पार्किंग हुआ इस कैंप का। सऊदी बिन लादिन ग्रुप, सऊदी अरबिया। हर कैंप में एक होटल या दो होटल आपको मिलेगा यहाँ पे, और बकाला यानी के ग्रोसरी शॉप वो भी अवेलेबल रहता है। ये यहाँ पर का होटल है, ये इस कैंप का होटल है। ये प्राइवेट होता है, यहाँ पे करना होता है सबको। सीटिंग एरिया लोग बना के रखे हुए हैं अपने बैठने के लिए। ये अपना शाम में टाइम पास करना होता है इसके वजह कर। ये ग्रोसरी शॉप हो गया इस मतलब इस कैंप का। ग्रोसरी शॉप बिल्कुल कैंप के बगल में ही है। आज़म भाई खाना निकल रहा है। ये ईशा के बाद खाने का टाइम हो चुका है और अब हम लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। यही सिस्टम है यहाँ पे खाने का। ये जो प्लास्टिक का आप डिस्पोजेबल जो देख रहे हैं, ये दस्तरखान, यही दस्तरखान पे खाना निकाला जाता है। सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ और खाना यहाँ पे माशाल्लाह घर में जिस तरह से मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी लोग खाते हैं। ज़्यादातर मटन और चिकन ही चलता है लोगों का। ये कल के लिए दूसरे दिन के लिए लंच पैक हो चुका है। लंच रात में ही लोग पैक करके रख लेते हैं, ताकि मॉर्निंग में उठने के बाद नहाना है, फ्रेश होना है, तो इस काम से लोग बचे रहें। इसलिए रात में ही लोग जो है लंच पैक कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह 7:30 बजे से रात 10 बजे तक मेहनत करके अभी आ रहे हैं ओवर टाइम करके। अभी रात के 10 बज गए हैं और 10 बजे लोग अभी ड्यूटी करके आ रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों का ओवर टाइम चल रहा था इस वजह कर। ये कैंप जो है दो हिस्से में है, एक नीचे की तरफ है ये जो आप देख रहे हैं, और इसका जो दूसरा व्यू है, जो दूसरा साइड है, ये पहाड़ के ऊपर है। ये पहाड़ के ऊपर का हिस्सा हुआ, सेम उसी तरह का जैसे नीचे कंटेनर लगा हुआ है
पहाड़ के ऊपर में ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे इसको कैंप का ही एरिया है, ये इसको कैंप बनाया गया है। ये कंटेनर लगा के चारों तरफ, नीचे के तरह ऊपर भी टॉयलेट और वज़ू का जो इंतज़ाम है, बाकी सारा कंटेनर है। लोग सोने की तैयारी कर चुके हैं, सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं। रात के 11 बज रहे हैं अभी। ये पहाड़ के ऊपर जो कैंप है, ये पहाड़ के ऊपर का ये व्यू है। कुछ लोग नीचे रहते हैं और कुछ लोग पहाड़ पे हैं।